दोस्तों, इंडिया का आर्ट कल्चर खतरे में है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया के जो कारीगर हैं, यानी कि आर्टिसंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो अपना काम फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंडिया के कारीगर अपना काम कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर पाएगा। जानेंगे इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कारीगर अपना काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ज़्यादातर कारीगर इंडिया में एक महीने के 10,000 से कम रुपए कमाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई क्यों ऐसा बिजनेस कंटिन्यू करेगा जहां पर उन्हें 10,000 से कम पैसे मिल रहे हों। अब आपके मन में सवाल होगा कि 10,000 से कम मिलने के पीछे के रीजंस क्या है। तो उसका पहला रीज़न है लैक ऑफ कैपिटल। उनके पास पैसे नहीं है जिसके कारण वो बल्क ऑर्डर में अपने रॉ मटेरियल्स खरीद पाए या फिर वो पैसे अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए जिसके कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। ये एक्सेस, ये रिसोर्सेस उनके पास नहीं है जिसके कारण उनकी इनकम 10,000 से कम रहती है एक महीने में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिछले कई सारे गवर्नमेंट्स ने कई सारी चीज़ें ट्राई की थी, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें की थी, यहाँ तक कि कस्टमर और उस कारीगर के बीच के मिडल मैन को हटाने के लिए भी कई सारी चीज़ें की थी, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल होगा कि कारीगर की सेल अगर इतनी कम है तो वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें क्यों नहीं बेचते। कारीगरों की ऑनलाइन सेल्स काफ़ी कम है दोस्तों, यहाँ तक कि हैंडलूम वीवर्स यानी कि बुनाई काम करने वालों की सेल्स 0.2% केवल ऑनलाइन थी। और अगर हम बात करें कि क्या कारीगरों के पास वो ट्रेनिंग है जिसके कारण वो इंटरनेट यूज़ कर सके, तो केवल 20% कारीगर ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट यूज़ करने की ट्रेनिंग है। तो ऐसे केसेस में स्वाभाविक सी बात है कि वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ONDC जैसा प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लाया है। अब ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कैसे काम करता है, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, जिस तरह से ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन पे या अमेजॉन फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, तो हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कई सारे लोगों के सामने ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें प्रोडक्ट कई सारे लोगों के सामने लाना है तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, प्लेटफॉर्म रेलवे का प्लेटफॉर्म है। तो गवर्नमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से कारीगरों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे रेलवे के प्लेटफॉर्म्स यानी कि रेलवे स्टेशन पर रखेगी, जिसके कारण उनके सेल्स बढ़ सकते हैं। इंडिया में 7,500 रेलवे स्टेशन हैं, 2.4 करोड़ लोग हर दिन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, बड़े स्टेशन पे तो 25,000 लोग एक दिन में ट्रैवल करते हैं, और इसी का फ़ायदा गवर्नमेंट चाहती है कि कारीगर इस्तेमाल कर सकें। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत एक जो कारीगर है वो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देकर एक स्टॉल लगा सकता है प्लेटफॉर्म पे, जो उसे 2 हफ्तों के लिए मिलेगा, और उन 2 हफ्तों में वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है कई सारे कस्टमर्स को। अब आपके मन में सवाल होगा कि केवल 2 हफ्तों के लिए ही क्यों ये स्कीम लाई गई है। तो इसका रीज़न ये है कि 2 हफ्ते बाद किसी और कारीगर को भी चांस मिलेगा, ये पहला रीज़न है। और अब ये सवाल होगा कि अगर 2 हफ्ते के लिए ही है तो फिर उससे कारीगर को क्या फ़ायदा होगा। तो जब लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो अगली बार चांसेस है कि वो उसे फिर एक बार ऑर्डर दे फोन से, व्हाट्सएप से। सो इससे भी उनकी सेल्स बढ़ेगी। 1 मई 2023 तक 785 रेलवे स्टेशन पर 728 स्टॉल्स लगाए गए हैं। तमिलनाडु के एक स्टेशन पे तो एक साल में 75 लाख रुपए की सेल्स हुई है इस स्कीम के कारण। आपको क्या लगता है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से क्या सच में कारीगरों की जिंदगी में फर्क आएगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।